अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मैं फैम। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए 2000 वाट का इन्वर्टर, जिसके ऊपर आप अपने घर का लोड डाल सकते हैं। 2000 वाट का है और ये अलकरम कंपनी के अंदर आता है। तो करते हैं गाइस इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग। आगे लिया, आगे लिया, आगे लिया, आगे लिया। तो गाइस आप ये देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर अलकरम की ब्रांडिंग हुई हुई है। इसके ऊपर ये हमारा 2000 वाट का इन्वर्टर है और फ्रंट के ऊपर इसके ऊपर आप देख सकते हैं डबल फ्यूज के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये डबल फ्यूज के अंदर आता है। तो फटाफट गाइस हम करते हैं इसका बॉक्स ओपन। इसके अंदर से गाइस दो निकलती हैं लीडें, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव की निकलती हैं। ये इसकी मैं फटाफट शॉपर रिमूव कर लेता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप हमारे पास 2000 वाट का डिजिटल इन्वर्टर DC टू AC, यानी कि बैटरी से ये कन्वर्ट करके देगा आपको 220 वोल्ट। और आप इसका डिस्प्ले भी देख सकते हैं गाइस, ये इसका आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं। ये डिजिटल के अंदर आता है, सादा नहीं आता 2000 वाट का। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये प्योर साइन वेव नहीं है, ये मॉडिफाई होता है। ये नहीं कि आपने इसको अगर 2000 वाट का तो आपने इसके ऊपर 2000 वाट के लोड डाल दिया। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1200 वाट तक का ये लोड चला सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं चला सकता। तो गाइस इसको फटाफट इसको अटैच करते हैं। अगर फ्रंट की बात करी जाए तो ये इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ, ये एक यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये इसका जो है इंडिकेट का ऑप्शन दिया हुआ, ये इसका प्लग दिया हुआ, यहाँ से आप 220 का सॉकेट, आप यहाँ से इसकी 220 ले सकते हैं। और पीछे इसका प्लस माइनस का कनेक्शन पॉइंट दिया हुआ, दो इसके ऊपर फ्यूज़ लगे हुए। फ्यूज़ देख लेते हैं कितने एम्पेयर के हैं। तो इसको मैं फटाफट से इसको यहाँ से रिमूव करके देख लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये 20-20 एम्पेयर के इसके ऊपर जो है दो फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपका प्लस माइनस उल्टा भी लगता है या ओवरलोड होता है तो आपका ये ऑटोमेटिक फ्यूज जल जाएगा, आपका कार्ड सेफ रहेगा। तो उसको फटाफट इसके साथ करते हैं सेट और फिर करते हैं इसको हम बैटरी के ऊपर ऑन। तो ये गाइस इसका मैंने लगा दिया प्लस पॉइंट, आपने भी देख के लगाना है, गलत नहीं लगाना। गलत लगा भी दिया तो फिर भी खैर बचत हो जाएगी, जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने इसको सही से करके लगाना है। ये मैंने लगा दिया इसका माइनस का पॉइंट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर लगी हुई है, हैवी ड्यूटी वायर लगी हुई है। इसके ऊपर अगर क्लिप की बात करी जाए तो क्लिप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्लिप लगे, ये मैंने इसके लगा दिया है प्लस माइनस देख के। अब मैं लगाता हूँ इसकी बैटरी, लगाता हूँ बैटरी को फटाफट सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई हुई थी चार्ज पे, तो मैं फटाफट बैटरी को अपने निकाल लूँ और लेके आ जाऊँ अपनी बैटरी। ये हमारे पास आता है गाइस 7 एम्पेयर की बैटरी, ये हमारे पास 7 एम्पेयर की बैटरी आ गई है। ये हमने लगा दिया इसका माइनस का पॉइंट, यहाँ पर आपने ख्याल करना है, देख के लगाना है। और ये गाइस हमने लगा दिया इसका प्लस का पॉइंट, इसको मैं सबसे पहले ऑफ कर लेता हूँ, ऑफ ही है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया गाइस प्लस का पॉइंट। अब करते हैं इसको हम ये ऑन, ये बीप की आवाज़ आई होगी। और ये हमारा गाइस ये ऑन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, कैमरा आगे ले गया। तो गाइस ये आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं, ये हमारे को वोल्ट भी शो करेगा, आउटपुट का लोड भी शो करेगा और यहाँ पे इसके जो है ये परसेंटेज भी शो करेगा। इस वक्त हमारी जो बता रहे परसेंटेज जो बता रहे हैं 100% बता रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो बैटरी है 100% इसकी जो है वो चार्ज है। और इसकी फ़ैन की बात करें जो गाइस का फ़ैन भी आप देख सकते हैं, ये बेहतरीन किस्म का जो है ना ये हाई स्पीड फ़ैन लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी में इसका फ़ैन चल रहा है। और ये गाइस इसका जो है इस पर हम ज़रा लोड डाल के देखते हैं, लोड में भी क्या डालूंगा इसके ऊपर, हम खाली फिलहाल जो है ना ये चला के देखते हैं, मोबाइल फ़ोन स्टार्ट करके देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहा है कि नहीं चल रहा है। गाइस मेरे पास ये आ गई है मोबाइल की टाइप सी की केबल आ गई है, तो मैं इसको मोबाइल को चेक करता हूँ कि ये मोबाइल चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। काफ़ी लोग बोलोगे यार ये पागल मोबाइल चार्ज कर रहा है, लोड वोड क्यों नहीं चला रहा। तो गाइस लोड भी चला के मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये हमारा मोबाइल चार्ज कर रहा है, यानी कि USB पोर्ट दिखाने का मकसद ये कि USB पोर्ट काम कर रहा है, लोड चलाने का दिखाने का मकसद ये नहीं था, सिर्फ दिखाना ये था कि ये USB पोर्ट इसका काम करता है या नहीं करता। तो 100% इसका काम करता है। तो गाइस अब इसके ऊपर मैं डालता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब का लोड, ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस तरह का कोई लोड है नहीं ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटपुट लोड चेक कराने के लिए, आउटपुट की 220 दिखाने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बीप करता है, बीप होने के बाद ऑटोमेटिक इसने अपना बल्ब जो है ना वो ऑन कर दिया, तो ये आउटपुट भी दे रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम जो है ये अगर ये 2000 वाट का है, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर ये 2000 वाट का, तो मैक्सिमम आप इसके ऊपर 1000, 1100, 1200 के ऊपर आप लोड नहीं डाल सकते। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इसके ऊपर आप फ्रिज नहीं चला सकते, क्योंकि फ्रिज का टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है, फ्रिज 3.5-4 एम्पीयर तक चला जाता है, तो ये फ्रिज को बिल्कुल भी नहीं चलाएगा। ये सिर्फ उसी चलाने के लिए, जैसे आपने आपका लग अगर जैसे आप 2-3 बल्ब चला लें या सॉरी 10-12 बल्ब चला लें, 2-3 आप पंखे चला लें इसके ऊपर, और या तो आप जो है इसके ऊपर छोटा मोटा जैसे कि LCD हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो वो इसके ऊपर आप इजीली चला सकते हैं।
तो गाइस अब मैं आपको उसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या जो है, कितने चोपर हैं, किस तरह का सर्किट है, क्योंकि इस वक्त अलकरम का पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चल रहा है। इसमें 220 वाट का भी आता है, जैसे कि ये रहा इसके अंदर, इसमें ये 220 वाट का भी आता है, इसमें 1000 वाट का भी आ रहा है, 1500 वाट का भी आ रहा है, 2000 वाट का आ रहा है, 2500 वाट का आ रहा है, और मैक्सिमम इसके ऊपर 4000 वाट तक आ रहा है। तो इस वक्त हमारे पास डिजिटल के अंदर 2000 वाट अवेलेबल था। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चोपर यूज करे हैं 2000 वाट के अंदर, जबकि मैंने बाकी इन्वर्टर के अंदर भी देखा कि 2000 वाट के अंदर मैक्सिमम जो है वो तीन चोपर लगे हुए होते हैं, लेकिन इसके अंदर इन्होंने जो है दो चोपर यूज किए हुए हैं। लेकिन अगर कंपोनेंट की क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी जो है काफी अच्छी है। आप इसके ऊपर ये FTs देख सकते हैं, चार चार इधर चार आठ FTs लगी, यानी कि ये आपका 1000-1200 लोड तक आप आराम से चला सकती है। तो पहले फ्यूज इसके अंदर लगे हुए होते थे, अब इन्होंने जो है ना वो डबल फ्यूज बाहर करके लगा दे, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हैवी लोड के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ LCD TV चलाने के लिए हो गया, आपका हल्का लोड हो गया, एक दो सीलिंग फैन हो गया आपके, 10-12 LED बल्ब हो गए, एक कंप्यूटर हो गया, उस हल्के लोड के लिए। हैवी लोड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हैवी लोड के लिए मैं तो आपको ये भी कहूँगा, हैवी लोड इसके अंदर अगर आपको फ्रिज चलाना हो तो कम से कम आपने 3000 वाट का मुंतखब करना है, या आपने 4000 वाट का करना है, 2000 वाट के ऊपर ये फ्रिज नहीं चला सकेगा। तो गाइस अब मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो इस वक्त हमारे पास ये आपको मिलेगा 3500 रुपये का मिलेगा, ऑल पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है। डिलीवरी चार्जेस इसके अलग अलग होंगे, मैक्सिमम इसके चार्जेस जो होते हैं 500 रुपये होते हैं, लेकिन अगर कराची के अंदर कहीं पर डिलीवर करना होगा तो इसके 200 रुपये इसके डिलीवरी चार्जेस होंगे, जो कि पाकिस्तान पोस्ट के जरिए हम इसको आपको पहुँचाएंगे। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, जो लोग चैनल पे नए वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।